अंधारबन, द डार्क फॉरेस्ट। अंधारबन यह एक मराठी शब्द है जिसका मतलब होता है घना जंगल। यह ट्रैक बारिश के मौसम में सह्याद्री के सबसे फेमस ट्रैक में से एक है। सह्याद्री के पहाड़ों में बसा यह घना जंगल सुंदरता के मामले में बेमिसाल है। अंधारबन ट्रैक किसी भी ऐसे यात्री के लिए आदर्श स्थान है जो लुभावने दृश्यों के साथ गहरे जंगल की खोज का आनंद लेना चाहता है। यहाँ आपको देखने मिलेंगे अनगिनत वाटरफॉल्स, घने जंगल और सांसें रोक देने वाले नज़ारे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसी बहुत सी अमेजिंग वीडियोज़ लाने वाला हूँ, तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम तुषार कोंडे है। आज हम लोग अंधारबन जंगल ट्रैक करने जा रहे हैं। अभी ये सुबह 9 बजे, ऐसे तो उन्होंने 9 बजे बुलाया था, पर यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम थी। वाटर पानी चला गया था, बिजली नहीं थी, तो अभी वो सब हो गया, अभी निकल रहे हैं। आज मेरे साथ मेरे दोस्त भी है, टोटल 10 लोग हैं हम। तो अभी मैं एक एक करके उनका इंट्रो कराता हूँ आपसे। विशाल। हाय गाइस, आई एम समाधान। हाय दोस्तों, आई एम कुणाल। आई एम गणेश। हाय गाइस, भावेश। हाय गाइस, आई एम मनोज। ललित। हाय गाइस, उमेश। हाय फ्रेंड, मेरा नाम प्रशांत। तो चलिए अभी निकलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ये होटल अंधारबन यात्री है, यहाँ से हमारा टूर ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। तो अभी हम ये होटल पर आ गए हैं। ये पीछे होटल है और ये मेरे सब फ्रेंड्स लोग जाने के लिए रेडी है। बस अभी गाइड का वेट कर रहे हैं, गाइड आ रहा है। गाइड आते ही हम लोग निकलने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ने अभी ट्रैक स्टार्ट कर लिया है। जस्ट अभी यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर जाना है और 6 किलोमीटर आना है। हमने हाफ ट्रैक ही लिया है। फुल ट्रैक अगर आप लेते हो तो यहाँ से भीरा तक जाते हैं, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है और भीरा में नीचे उतरते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। हमने टोटल पूरा ट्रैक लिया, अभी हाफ ट्रैक लिया है। 2 रूट है टोटल। एक भाई से ही पूछ लेते हैं, वो आपको बताएंगे। इतना कैसा का है ट्रैक का? भिरेला उतर दो ना, जो डिसेंट वाला है तो 19 किलोमीटर है। आणि दुसरा एक आपण तेलबाईला फोडको माहिती नाही, जरा ऐकून आहे बरेचसे जण, तर तिकडे एक नाक्षदेव कोण व्हॅली आहे, तर तो 16 किलोमीटर आहे। ओके, तो 16 किलोमीटर त्या 3-4 वाजेपर्यंत कम्प्लीट करू शकतो असा। मग तिथं पण जाऊन यायचं असतो का? तिथं पण उतरायचं असतो? बस एक साईड आम्ही पाठवलं। ओके, आणि आपण जे ट्रॅक घेतलाय आता तो रिटर्न घेतलाय, म्हणजे जेमतेम आपण अर्ध अंधारबन म्हणजे निम्मा 6 किलोमीटर जेवढे वॉटरफॉल आहे तिथपर्यंत, आणि सेल्फी पॉइंट एक लास्ट। ओके, बस तिथपर्यंत तिथून आपण रिटर्न। ओके, त्याच्या पुढे अगर जाणार असेल तर फक्त जंगल, वॉटरफॉल वगैरे नाही। तर अभी हमने हाफ ट्रैक लिया है। हाफ ट्रैक में हम लोग जाके वहां से वापस आने वाले है। कुंडलिका वैली के सामने व्यू पॉइंट है, वहां से जाके वापस आ जाएंगे। तो अभी ये भाई के साथ ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चलिए। अंधारबन ट्रैक तामिनी घाट में पुणे के पिंपरी रीजन में पड़ता है। यह ट्रैक पुणे से 70 किलोमीटर और मानगांव से 50 किलोमीटर है। यहाँ पर आप प्राइवेट कार, बाइक या टैक्सी से जा सकते हैं। यहाँ पर जाने का सबसे अच्छा समय बारिश के मौसम में है। हेलो फ्रेंड्स, अभी ये हम जो अंधारबन के ट्रैक में रास्ते में फॉरेस्ट की ऑफिस आती है, ये यहाँ पे 140 पर पर्सन टिकट है। और ये कुंडलिका वैली व्यू के लिए यहाँ पर चेक पोस्ट है, यहाँ पर टिकट लेनी पड़ती है। ये उसका गेट है। तो अभी हमने टिकट तो ले ली है, अभी ट्रैक आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, ये पूरी वैली है और पूरा आप फॉग देखिए, कितना फॉग है नीचे, कुछ दिख भी नहीं।
मॉनसून में आने का मजा यही है कितना। और सुबह से जब से हम आए हैं तब से वेदर पूरा ऐसा ही है, जरा भी खुला नहीं है। बारिश नहीं इतनी हुई पर अभी यह पूरा फॉगी वेदर हो रखा है। अभी बहुत मॉनसून में तो ये ट्रिप एक बार जरूर करनी चाहिए। पर बहुत लोग हैं, आज सैटरडे है, बहुत ज्यादा पब्लिक है। बारिश होती है तो यहाँ से बहुत ज्यादा पानी आता है, इसलिए यहाँ पे ग्रिल लगाई है क्रॉस करने के लिए अगर बारिश शुरू हो। देखिए यहाँ से दिख रहा है, और अभी बारिश का नाम लिया और बारिश स्टार्ट हो चुकी है। ये ऐसे छोटे छोटे वाटर क्रॉसिंग आते हैं। अभी तो जितना अंदर जाएंगे और ज्यादा बढ़ता जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, अभी सुबह से अभी वेदर थोड़ा क्लीन हुआ है। या अभी पूरा जो फॉग था वो अब सब निकल चुका है, वो अभी पर ऊपर है पहाड़ के ऊपर अभी भी थोड़ा सा है और नीचे वैली में थोड़ा सा है। तो अभी ये यहाँ का वी पॉइंट है, पूरा ऐसे जाके ऐसे जाना है। अभी यहाँ से नीचे से वाटरफॉल का पानी जा रहा है। आगे ये है नीचे ब्रिज भी बना है यहाँ पर, जो आपके पास 140 टिकट लेते हैं जंगल की, ये फॉरेस्ट वाले उसके हिसाब से अच्छा डेवलपमेंट भी किया है कि ये वाटर क्रॉसिंग करने के लिए। अभी आगे चलते हैं।
जो नीचे पानी का भाग दिख रहा है ये है ना, जो आप अगर ये ट्रैक पे आते हो तो ये जो पूरा एरिया है ये एरिया पे खड़े ना रहे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लैंडस्लाइड होती रहती है। ये देखिए यहाँ पर हुआ ही है, तो यहाँ पे क्या लैंडस्लाइड का ज़्यादा खतरा रहता है, तो ये ट्रैक पर कभी खड़े मत रहिए, सीधे चलते रहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर बहुत बारिश हो रही हो तो लैंडस्लाइड होने का खतरा रहता है, तो इतना ध्यान रखिए। इसके बाद आगे पूरा ओपन एरिया आएगा, ये ब्रिज आएगा, ये सामने ब्रिज है। हेलो फ्रेंड्स, अभी ये जो अंधारबन जंगल ट्रैक का व्यू पॉइंट है, ये कुंडली का वैली जो व्यू पॉइंट है वो यहाँ से है, और सामने जो आप कुंडली वैली से जो व्यू देखते हो वो पार्ट सामने कुंडली का वैली व्यू पॉइंट है। अभी तो पूरा बारिश भी शुरू हुआ और मौके बेहतर हो रखा है, तो थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, वो क्लियर होगा बाद में हम वीडियो ले सकते हैं। मॉनसून में बारिश तो ये पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो, पूरा जंगल एरिया है तो इसलिए यहाँ पे बारिश तो रहती है। अभी देखते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, खड़ा रहना है, लगभग हो जाएगा, ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। बैड न्यूज़, वेदर क्लीन हुआ ही नहीं, तो भी लगभग हमने 1.25 घंटे तक वेट किया, पर आज कल भी हम आए थे कुंडली का वैली तो कल भी ऐसा ही था, वेदर खुला ही नहीं, ऊपर से थोड़ी थोड़ी देर में बारिश आती रहती है पर वेदर कुछ खुला नहीं। तो अभी कुंडली का वैली का जो व्यू पॉइंट है यहाँ से वो देखने को नहीं मिला, तो अभी वापस जा रहे हैं। पर फिर भी ट्रैक अपने हम जो अंधारबन जंगल ट्रैक जो ट्रैक देखने आए थे वो ट्रैक तो हो गया, व्यू पॉइंट ऐसे भी मैंने पहले एक कुंडली का वैली के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, उसमें व्यू पॉइंट है ही। अभी देखते हैं वापस ऐसा लगेगा तो नेक्स्ट मंथ वापस मैं गांव आने वाला हूँ, तब शायद हो सके तो तब देख लेंगे, अभी चलते हैं वापस। ओके चलिए अभी आगे चलते हैं, अभी आगे थोड़े शॉट लेंगे फिर बाहर निकल के एंड करते हैं। ओके Thank you.
हेलो फ्रेंड्स, अभी अभी हम ये जस्ट अंधारबन का ट्रैक कंप्लीट करके आया है। ये जो पार्किंग एरिया है वहाँ पर पहुँचे अभी। ट्रैक में तो बहुत मज़ा आया, बस डिसअपॉइंटमेंट इतनी है तो व्यू पॉइंट देखने नहीं। ठीक है, ठीक है, वो तो ऐसे भी पहले देखा था पर देखने को मिलता तो और मज़ा आता। पर अभी ऑलमोस्ट हमारा ट्रैक कम्प्लीट हो चुका है, अभी बाहर निकलते हैं, फिर खाना खाते हैं और बाद में नीचे जाएंगे। ये हमने टोटल गाइड के साथ किया था पैकेज, जो उसमें हमारा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों साथ में था। इसमें 600 पर पर्सन हमारा चार्ज दिया था। अभी हम लोग 10 लोग थे, उस हिसाब से 6000 हुआ। और अंदर आपको जो फॉरेस्ट की टिकट लगती है 140 पर पर्सन, हाँ उस हिसाब से रहता है अभी। और खाने में आपको दोनों ऑप्शन मिलता है, वेज नॉन वेज का, तो आपको जो अच्छा लगे आप चूज़ कर सकते हैं। तो अभी चलिए वापस चलते हैं। और ये देखिए अभी वापस पूरा फॉग आ गया है, कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पर ऐसा ही रहता है, थोड़ी देर में फॉग आ जाता है, थोड़ी देर में खुल जाता है पूरा। हेलो फ्रेंड्स, अभी हमारा पूरा ट्रैक कंप्लीट हो चुका है। अभी हम हमारे जो होटल जहाँ से ट्रैक स्टार्ट किया था वहाँ आ गए। अभी यहाँ पे खाना खाएंगे, फिर बाद में नीचे जाते हैं। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें।